तो आप सभी ने ची बॉल, जिसे हम साई बॉल के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में जरूर सुना होगा। इसका इस्तेमाल करके आप बिना किसी मेंटल एनर्जी का यूज किए अपनी सिर्फ ची एनर्जी से ही काफी सारी साइकिक एबिलिटीज को मास्टर कर सकते हैं। जहां पे आप बिना ची एनर्जी के कोई भी साइकिक पावर्स को प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी ज्यादा मेंटल एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन वहीं पे ची एनर्जी का इस्तेमाल करके आप आसानी से ही किसी भी साइकिक पावर को प्रैक्टिस कर सकते हो। आज हम जानेंगे कि कैसे 6 सिंपल स्टेप्स में आप ची बॉल बना सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, आई एम स्पाई टेक एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल टेक। स्टेप 1, एम्प्टी योर माइंड, यानी आपने अपने दिमाग को खाली कर देना है। और अपने दिमाग को खाली करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप ब्रीथिंग मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। स्टेप नंबर 2, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप त्राटक को प्रैक्टिस कर सकते हो। त्राटक करने के लिए आपको एक सफेद कागज की जरूरत होगी। आपको उसके बीचों बीच ब्लैक मार्कर से एक 1 सेंटीमीटर डायमीटर का गोला बना लेना है और उसे पूरा फिल कर देना है। उसके बाद आपको उसे अपनी आंखों से 1 मीटर की दूरी पर रख देना है, जहां से वो आपकी आंखों के सीध में हो, और आपको उसे घूरते रहना है। आपको उसे तब तक घूरना है जब तक कि आपके आंसू ना आ जाएं। आपको इस बीच में अपनी पलक नहीं झपकानी है। अगर आपको इसे और भी ज्यादा ध्यान से समझना है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिसिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज अपनी ची एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान हर समय अपने राइट और लेफ्ट नाक से अलग अलग रेशियोज में सांस लेता है। यानी कि हमारी राइट और लेफ्ट नोज कभी भी 50-50 की रेशियो में सांस नहीं लेती, यानी कि दोनों नाकों से सांस की मात्रा जो है हर समय अलग रहती है। तो अगर आप किसी तरीके से अपनी दोनों नाकों से सेम मात्रा में सांस लेना सीख जाओ तो आपके अंदर ची एनर्जी बैलेंस होने लग जाएगी, और ये सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके ही हो सकता है, जिसमें आप आलोम विलोम और प्राणायाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अब ये वो मेन स्टेप है जहां से आपको ची बॉल को बनाना आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने दोनों हाथों से जोर जोर से तालियां बजानी है, और उसके बाद अपने हाथों के बीच में ऐसा महसूस करने की कोशिश करनी है कि जैसे एक फुटबॉल है। जब आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे तो आपको सच में एक बॉल अपने हाथों के बीच में महसूस होना शुरू हो जाएगी। स्टेप नंबर 5, अब आपको ऐसा अज्यूम करना है कि वो एनर्जी बढ़ती जा रही है। वो एनर्जी आपके पैरों से आपकी बॉडी के अंदर घुस रही है और आपके शोल्डर्स तक जा रही है, और आपके शोल्डर से आपके हाथों तक पहुंच रही है, जो कि उस बॉल को और बड़ा करते जा रहा है। अगर वो बॉल बड़ी नहीं होती है तो एक बार फिर से आप क्लैपिंग करके अपने हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, और फिर आपको दोबारा से अज्यूम करना है कि आपके हाथों में एक बॉल है और वो बड़ी होती जा रही है। तो दोस्तों, इतना तक करना काफी ज्यादा आसान है और काफी सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन जो काम मुश्किल है उसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ। वो है स्टेप नंबर 6, जिसमें आपको इस बॉल को थ्रो करने की कोशिश करनी है। अब आपने काफी सारी ची गैदर कर ली है, तो अब आप इस ची एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप इससे टेलीकिनेसिस, पायरोकिनेसिस, हाइड्रोकिनेसिस वगैरह कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको इस ची को अपनी बॉडी से बाहर फेंकना आना चाहिए, यानी इसे थ्रो करना आना चाहिए, और यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि जब आप इसे थ्रो करेंगे तो आपका जो एनर्जी कंट्रोल है वो काफी ज्यादा बिगड़ता है, जिस कारण से आपको ऐसा महसूस होता है कि हमने इतनी सारी ची गैदर तो कर ली थी, जिससे इतनी बड़ी बॉल भी बनी थी, लेकिन इससे हम टेलीकिनेसिस वगैरह साइकिक पावर्स को तो अचीव कर ही नहीं पा रहे। आखिर अब इसका क्या करें? तो देखिए, आपने काफी सारी ची तो इकट्ठी कर लिया, लेकिन अभी आपको उसको फेंकना नहीं आता, तो इसके लिए आपको उसे थ्रो करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर टूल है साई व्हील। इसे बनाने के लिए मैंने एक इमेज आपको स्क्रीन पे दे रखी है, जिससे आपको समझ आ रहा होगा कि इसे कैसे बनाते हैं, और जो हमारे इस चैनल पे पहले से बने हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि साई व्हील कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर लाऊंगा, जो कि आपको बाद में आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। इसके बाद आपको इस पर अपनी ची को थ्रो करके इसे राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करवाने की कोशिश करनी है। आप चाहें तो इसे अपनी मर्जी मुताबिक राइट या लेफ्ट घुमा सकते हैं, जैसा भी आपका मन चाहे। अब काफी सारे लोग सोचेंगे कि हम इसे साई व्हील पर ही प्रैक्टिस क्यों करें, क्यों ना हम कोई कागज लें, उसे एक हल्की सी जगह पे अटका दें और उसे गिराने की कोशिश करें, या कुछ और तरीके से इस ची बॉल को थ्रो करने की कोशिश करें। तो देखिए, साई व्हील जो है एक सबसे बेस्ट तरीका होता है टेलीकिनेसिस को सीखने का। इसे आप ची थ्रो में भी
काफी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि साई व्हील आपके लिए लाना मुश्किल है, तो आप एक पीस ऑफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे अपने मर्जी मुताबिक उस पर ची एनर्जी थ्रो कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी के साथ आपकी टेलीकिनेसिस की भी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये 6 सिंपल स्टेप साई व्हील बनाने के जरूर अच्छे से समझ आए होंगे, आपको ये वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी कुछ ऐसी वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जो भी ची एनर्जी की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।